मोहब्बत है मेरी, शादी उसी से करूंगा मैं। हमारे खून और नस्ल की बात हो रही है, सड़क छाप लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। शादी तो मेरी मैक से ही होगी, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अगर वो लड़की उसकी जिद बन गई तो वो उसे हर हाल में हासिल करके रहेगा। अगर वो अपनी जिद पर आ गए ना तो उसके जैसे 10 की सांसें उखेड़ देंगे। मेरा कसूर ये है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ताकतवर है वो, हम या वकील कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे नाम के अलावा इस वक्त कुछ भी बोला तो तुम्हारा बाप सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। थोड़ा प्यार से बोलो। सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पहुंच जाएंगे। छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा प्लीज। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, रुख्सती कर लीजिएगा वरना उठा के ले जाऊंगा। वीडियो जरा अच्छे से बना लेना, हैं? अच्छा लग रहा हूं मैं? बस ये सोच के वीडियो बनाना कि हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी वीडियो। क्या हाल है अंकल, पहचाना मुझे? पूछना ये था कि आप अपनी बेटी का सदका देते हैं? बंद कर रहा हूं यार। क्या मतलब है तुम्हारा? सदका आप देते हैं अपनी बेटी का? क्यों दिया था? दिल आ गया मेरा इस पर। एक भी ऐसी नहीं है घर में क्या? तुम आए क्यों हो यहां? अरे बाहर बताया तो आपको मैंने, आपकी बेटी पसंद आ गई है मुझे। ये शरीफों का मोहल्ला है ये, और यहाँ हमारी थोड़ी सी इज्जत है, उसे बाकी रहने दो, जाओ यहाँ से। मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। आंटी आप समझे, मैं इनको कई बार बता चुका हूँ, मैंने अंकल को बोला, बड़े प्यार से समझाया, मुझे महक पसंद आ गई, कोई गलत इंटेंशन नहीं है मेरे दिमाग में, शादी करना चाहता हूँ, निकाह करूंगा आपकी बेटी से, और हैसियत की फिक्र ना करें आप, वो तो मैं रातों रात तब्दील कर दूंगा। अभी तो कोई इरादा नहीं है शादी का। तो कोई बात नहीं, इरादा बना लेते, और अगर वो मुझे नहीं जानती तो मसला ही नहीं, आप उसको बुलाएं, मैं बैठ के बात कर लेता हूँ, मैं तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ हूँ, दो मिनट बात करो। दुरुस्त है, हम अपनी बेटी को यहाँ तुम्हारे साथ बिठाने के लिए बुलाएंगे? हाँ, क्योंकि पसंद करता हूँ। लेकिन हम तुम्हें पसंद नहीं करते, और ना ही हमारी बेटी पसंद करती है। वो मुझ पर छोड़ देना, पसंद करवा लूंगा। माफ कर दो हमें, कल जो कुछ भी हुआ था गलती हो गई थी मुझसे, जो तुम्हारे मामले में बोल पड़ा, अब जाओ यहां से। इतने प्यार से समझा रहा हूं, इतनी तमीज से बात करूं समझ में आ नहीं रही आपके। मैंने आपसे कहा कि मुझे महक पसंद आ गई, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना फिर वो मेरी हो जाती है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, आपकी उम्र को गुस्सा सूट नहीं, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, बहुत तमीज से बात करके बता रहा हूं कि महक से शादी करना चाहता हूं। ये मैंने आपको अपना फैसला सुनाया, बाप के फैसले की कोई अहमियत नहीं है मेरे सामने। चलो फिर भी सोच लीजिए आप, लेकिन फैसला मेरे हाथ में आना चाहिए।
अच्छा यही होगा कि खुशी खुशी महक को मेरे हवाले कर दें, मुझसे शादी कर दें। अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो आपकी नजरों के सामने से मैं महक को छीन के ले जाऊंगा। रिश्तेदारी तो जुड़ गई है, अगली बार आऊंगा चाय पी जाऊंगा, आता रहूंगा। अंकल गर्मी बहुत है आपके घर में, मैं किसी को कह के एसी लगवाता हूँ। एक महक तुमने बताया नहीं तुम कब से जानती हो इस लड़के को। नहीं चच्ची मुझे नहीं पता उसका, मैं नहीं जानती। कमाल है ना जाना पहचाना फिर भी तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गए। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है अंजलि। हाँ हाँ भाई साहब मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। बेटा तुम्हें यूनिवर्सिटी चलना चाहिए, टाइम बहुत हो गया, तुम्हारी एक क्लास ओवर हो गई है, जाओ। मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो ध्यान मेरी तरफ चाहिए मुझे। कहिए मैं सुनूं। कहां से आ रहे? बाहर से। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम बाहर से आ रहे हो, सारी रात हवारा गर्दी करते हो। जब हमारे बाहर जाने का वक्त होता है तो तुम घर वापस आते हो। क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? सच बताऊं तो कुछ नहीं सोचा। एक बात जानता हूं, अगर मैं दोनों हाथों से भी जी भर के लुटाऊं तब भी आपकी दौलत कम नहीं होगी। ये दौलत तुम तब तक उड़ा सकते हो जब तक मैं तुम्हें उड़ाने का हक देता हूं। जब चाहूंगा ये अय्याशी खत्म कर दूंगा तुम्हारी। ना बेहतर यही है कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो सीरियसली। रहने देना, बच्चा है सीख जाएगा। बच्चा है तो जुबान भी बच्चों जितनी इस्तेमाल करो, समझाओ इसे। मुझे ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं। चला सबक सिखाते हैं। चलो भी क्या समझा था तुमने? सर का कोई नहीं है, बहन है वो हमारी। तुमने बताया नहीं इतने सारे साले हैं मेरे। भाई वो क्या है कि आपकी बहन पे दिल आ गया है मेरा। आज तो इसके गार्ड भी नहीं है, ऐसी मरम्मत करेंगे कि फिर कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। खाना वाना खाया करो यार, जिम जाया करो। मेरे गार्ड्स मेरे साथ इसलिए नहीं होते हैं कि मुझे दूसरों से बचा सके, तो मेरे साथ इसलिए होते हैं कि दूसरों को मुझसे बचा सके। मैंने तो पहले कहा था पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, अगर रिपोर्ट की होती ना तो ये नौबत ना आती। हसन पुलिस में रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं, बाबा कहते हैं कि उल्टा हम ही परेशान होंगे। मैं सोचती हूँ कोई तो हो जो इसे रोक सके, इसका मुकाबला कर सके, इसको बता सके कितना गलत कर रहा है। देखो महक तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं ना, मैं समझ सकता हूँ। वो आए या तुम्हें तंग करे तो मुझे ही कॉल करना, फौरन आ जाऊंगा। सच में आओगे? तुम एक बार बुला कर तो देखो।
हेलो। तुम्हारी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम खुद। कौन? किसी को बताए बगैर बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा घर। बाहर? किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अगर अंकल कुछ बोले तो मेरा नाम ले देना, वो तुम्हें आने देंगे। 5 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुम 5 मिनट में नहीं आए तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कोई रोक रहा है। फिर मैं खुद अंदर आ जाऊंगा, इंतजार कर रहा हूँ। देखो महक, तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं ना, मैं समझ सकता हूँ। वो आए या तुम्हें तंग करे तो मुझे एक कॉल करना, फौरन आ जाऊंगा। ये फिर आ गया? कौन आ गया? वही रही ज्यादा, उसकी गाड़ी भाई साहब के घर के बाहर खड़ी है। अरे तो तुम तो कम से कम वहां से हटो, भाई जान ये भाभी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। ओहो, पूरा मोहल्ला देख रहा है वो, ठीक है, बस हम देखें तो कयामत। मुझे जाने दे, मैं बात करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस जंगली आदमी के पास मैं तुम्हें जाने दूँ? बाबा, वो यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। बिना वजह बाहर खड़े होके तमाशा करेगा, शोर करेगा। अब प्लीज मुझे बात करने दे। शोर करने का मतलब है अपनी बेटी को जाने दूँ मैं उसके पास? आपको मुझ पे भरोसा है? अरे हाँ भरोसा है, लेकिन जैसा भरोसा लेकर जा रहे हैं वैसा ही वापस लेकर आऊंगी। डर लगता है मुझे आपसे। अच्छे नहीं लगते आप मुझे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। आपने मजबूर किया इसलिए मैं चली आई। मेरे माँ बाबा परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मेरा पीछा ना कीजिएगा। बंद करो ये सब, तुम्हारे बाप की शादी हो रही है। Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.